Till now, we have discussed five properties of metals and non-metals, like what are their states at the room temperature, malleability, ductility, conduction towards the heat, conduction towards the electricity. Now, it's a time to discuss about the next property, that is lustrous. Lustrous means having the shiny appearance. So yes, as we are very well knowing that key metals are generally having shining appearance. Best examples of the metal having shining appearance are gold and silver. So yes, generally all the metals are having shining appearance, but what is happening when they exposed to air, after some times they become dull. Why it is so? It becomes dull because of the formation of the layers. कौन कौन सी लेयर्स बन जाती है उन पे? ऑक्साइड की लेयर बन सकती है, कार्बोनेट्स की लेयर्स बन सकती है, सल्फाइड्स की लेयर्स बन सकती है. तो किसी की भी लेयर बन जाती है जिसकी वजह से उनका सरफेस जो है थोड़े टाइम के बाद डल हो जाता है. दैट्स वाई अब ये लेयर क्या है, उनको डल अपियरेंस भी देती है. फर्स्ट थिंग, प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम द कोरोजन, कि उनका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, कोरोजन ना हो, इस वजह से उसको प्रोटेक्शन देती है. जो भी नीचे वाली मेटल होती है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है अगर एक बार उस पर लेयर बन जाए तो. ठीक है, इसके अंदर हमने एग्जांपल्स किए थे, अगर आपको याद है तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड. दीज आर द मेटल्स, दीज आर द फोर मेटल्स ऑन विच अ लेयर ऑफ ऑक्साइड विल फॉर्म एज अ प्रोटेक्टेड लेयर which protected from the further corrosion. We discussed this point in first chapter also. ठीक है, ये चारों पे ऑक्साइड की लेयर बनती है. That's why we have to rub their surfaces before burning or before doing any reactions. अगर हम इसे किसी के भी साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें उनके सर्फेस को थोड़ा रब करना पड़ता है ताकि उनके ऊपर की जो ऑक्साइड लेयर है वो रिमूव हो सके. Now non-metals. Non-metals are generally having dull appearance. वो shiny नहीं होते, but one exception is there, that is iodine. Iodine is lustrous in nature. उसका shiny appearance होता है. Now move on to the next property, that is hard and soft. Generally metals are very hard. अगर हम बात करें magnesium, रिबन भी आपने देखा है hard ही होता है. Aluminium का अगर हमने छोटा सा piece लिया तो it is very hard. I am not talking about aluminium sheets. लेकिन अगर एल्यूमिनियम का पीस लिया तो इट इज वेरी हार्ड. जिंक, लेड, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. तो ये सोडियम और पोटेशियम को अगर हम देखते हैं तो दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे कैन इजिली कट विद द नाइफ. वो नाइफ से कट सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट वन नॉन मेटल, दैट इज कार्बन डायमंड. कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं जिसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसमें से एक एलोट्रॉप है दैट इज डायमंड, एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे हार्डेस्ट नेचर से जो हमें कोई भी चीज मिलती है दैट इज डायमंड. ठीक है, तो यस ये बहुत ही हार्ड होता है, अदरवाइज द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर. नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स whether they can hold the weight without snapping. Snapping means breaking. Snapping means breaking. So yes, whether a particular substance can hold a large amount of weight without snapping. So yes, metals are very strong. वो जनरली बहुत ज्यादा वेट को कैरी कर सकते हैं टूटे बिना. इसमें एक्सेप्शन है, दैट इज हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम. अगेन सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट भी है. सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी नहीं है. नाउ मूव ऑन टू नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये जनरली टूट सकते हैं अगर ज्यादा वेट अगर इन्हें कैरी करना पड़े तो. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. So yes, first of all we should know about the meaning of melting and boiling point. Melting point is a point. यहाँ पे definition में गलती नहीं होनी चाहिए. Melting point is a point at which a solid melts into liquid. ठीक है, solid melt होके liquid बनाता है, उसको हम melting point बोलते हैं. Boiling point is a point at which a liquid converts into vapors. बॉइलिंग पॉइंट में एक एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर की भी टर्म आती है कि व्हेन द
वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर देन द लिक्विड इज नाउ नोन एज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जहां पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एटमोस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है. ठीक है, सो दीज आर द डेफिनेशन कि मेल्ट कब हुई कोई चीज, वेपर से कब चेंज किया. तो अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स आर जनरली हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है. अगर मैं आयरन की बात करूं, इट्स अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ज्यादा है. बाकी सब मेटल्स का भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है. दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन. ठीक है, लेकिन इसलिए एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस कौन सी हैं? वही दोबारा हमारे पास यही वाली सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम का जो जनरली मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा नहीं होता. इसके साथ में हमारे पास दो और मेटल्स भी होती हैं, दैट इज सीजियम एंड गैलियम. गैलियम एक मेटल है, सीजियम भी. When we are keeping these metals on our hand, then they can melt with the heat of our body. इतना कम इनका melting point होता है, it is less than 37 degree centigrade कि हमने इसको हाथ पे रखा तो भी ये melt हो जाते हैं. तो it is very important कि gallium is a metal which can melt on the hand also. इतना कम उसका melting point होता है. Now move on to the non-metals. Non-metals are generally having low melting point. जैसे हम बात करेंगे सल्फर, सल्फर इज अराउंड 115 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड. डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना ज्यादा होता है. अभी अभी हमने किया बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. बहुत ही हार्ड होता है, दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो वेरी हाई. अदरवाइज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नॉन मेटल्स आर लो. नेक्स्ट वन इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास और कितनी वॉल्यूम है. ठीक है, तो मेटल्स आर जनरली हैविंग हाई डेंसिटी. उनका मास ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होती है, तो उनकी डेंसिटी जनरली हाई होती है. आयरन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी, तो उसकी अराउंड 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है उसकी डेंसिटी. उसकी बहुत ज्यादा है. बट अगेन एक्सेप्शंस आर सेम, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम. तो ये सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटीज होती है ये कम होती है, 0.8 के आसपास. और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इट इज 0.97 एंड इट इज 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इनकी बहुत ही कम डेंसिटी है. तो जनरली मेटल्स आर हैविंग हाई डेंसिटी, बट अगेन द सेम एक्सेप्शंस आर देयर. सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा. सब में सेम एक्सेप्शंस है. ठीक है, तो यस, डेंसिटी अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जनरली नॉन मेटल्स आर हैविंग लो डेंसिटी. तो सल्फर की अगर बात करें तो इट्स अराउंड 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इनकी डेंसिटी जनरली लो होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज सोनोरस. सोनोरस का मतलब क्या है? सोनोरस का मतलब है व्हेन इट इज स्ट्राइक विद एन इंस्ट्रूमेंट देन इट विल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. अगर आप बात करो ये भी तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. प्लास्टिक मेटल तो नहीं है ये, तो यस ये भी तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट दिस इज नॉट अ रिंगिंग साउंड. आपने कभी भी मंदिर में बेल बजाई है? वो जो भी इको जो प्रोड्यूस होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम रिंगिंग साउंड बोलते हैं. तो यस दिस काइंड ऑफ साउंड इज नोन एज सोनोरस. दोज मटेरियल्स विच कैन प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ साउंड आर नोन एज हैविंग द सोनोरस प्रॉपर्टी. वो सोनोरस होते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरसनेस बोलते हैं. ठीक है, या फिर सोनोरिटी. तो यस, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है. मेटल्स आर जनरली हैविंग सोनोरस बिहेवियर, बट नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनोरस इन नेचर. ठीक है, सो यस, ये सोनोरस होने की वजह से ही हम, आपने कभी भी देखा है कि वॉयलिन, गिटार, बेल्स, ये सब चीजें किससे बनाते हैं? मेटल से बनाते हैं, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस एन इको साउंड और अ रिंगिंग साउंड. ठीक है, सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर. नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द कलर ऑफ द कंपाउंड्स. कि कैसे कलर होते हैं जनरली? तो यस,
जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके ग्रे और सिल्वर कलर होते हैं, ठीक है। सबके सब मेटल्स के जनरली ग्रे और सिल्वर कलर होते हैं। आपको पता है एल्यूमिनियम का सिल्वर कलर है, जिंक का सिल्वर कलर है, आयरन का सिल्वर कलर है, तो जनरली दे आर ग्रे और सिल्वर इन कलर एक्सेप्ट कॉपर। आप लोगों के मन में आया होगा कॉपर का तो नहीं है सिल्वर, तो यस एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। आपको पता है कॉपर का कलर होता है ब्राउन टाइप में, रेडिश ब्राउन कलर का जो कलर होता है, और गोल्ड का कलर स्लाइटली येलोइश कलर का होता है। तो यस एक्सेप्ट दीज टू मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर हैविंग ग्रे और सिल्वर कलर। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के केस में कलर में काफी सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे हमारे पास जो सल्फर है वो होता है येलो कलर का। सल्फर पाउडर आपने 9th क्लास में भी किया होगा, व्हेन वी आर मिक्सिंग आयरन एंड सल्फर टुगेदर येलो कलर का मिक्सचर होता है। तो ये सल्फर इज हैविंग येलो इन कलर। देन नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कैन बी व्हाइट और रेड, ये व्हाइट और रेड कलर का हो सकता है फॉस्फोरस। देन ग्रेफाइट इज ब्लैक इन कलर एंड क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन इन कलर। ग्रेफाइट की आप लोगों ने रोड हमने बनाई है, अभी हमने किए थे एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, जहां पे हम रोड्स लेते हैं जनरली ग्रेफाइट की लेते हैं। ग्रेफाइट इज ब्लैक इन कलर। एंड देन हम अगर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन। और उसके बाद कुछ एक गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कलरलेस गैसेस हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। तो हमने देखा कि कितना सारा वेरिएशन है नॉन मेटल्स के केसेस में, जबकि मेटल्स तो जनरली ग्रे और सिल्वर कलर के थे, एक दो एक्सेप्शंस के साथ बाकी सब ग्रे और सिल्वर कलर के थे, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ये हमने कहीं ना कहीं पे स्टडी किए हुए हैं, तो आपको याद करना इजी हो जाएगा। आपको ये कलर याद करने पड़ेंगे बिकॉज दिस कैन कम एज, अभी तो हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं, असर्शन रीजन भी आते हैं, तो ये कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट वी हैव सीन मेनी ऑफ द एक्सेप्शंस। हम क्लियरली कोई चीज नहीं बोल सकते कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, कहीं पर भी एक्सेप्शन आ जाती है, कहीं पर भी एक्सेप्शन आ जाती है। तो यस फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया और इट कैन नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल, वो अच्छे से हमें नहीं बता पाता। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बिकॉज जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो कभी भी चेंज नहीं होती, इट इज वेरी पर्टिकुलर, नो एक्सेप्शंस आर देयर। वो एक पर्टिकुलर टाइप से काम करते हैं, पर्टिकुलर सीरीज में काम करते हैं, उसमें एक्सेप्शन नहीं होती। तो उसकी बेसिस पे वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट वेदर एन गिवन एलिमेंट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल रिएक्टिविटी वन बाय वन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, देन वी विल डिस्कस द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन ओनली। सो यस हाउ दे बिहेव वेन दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो यस मेटल वेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच इज कमिंग फ्रॉम द एयर, देन अगर हम इसको सिंपल बोलते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ मेटल इज बर्निंग एयर, देन उसका मतलब भी यही है कि एयर का मतलब हम ऑक्सीजन में उसको बर्न कर रहे हैं, तो इट इज अंडरस्टूड। तो आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑक्सीजन आई ये जरूरी नहीं है। तो मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ये आपको याद है हमने एक रिएक्शन किया था कॉपर का, कॉपर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। और उसके अलावा दो चीजें और की थी कि ये बेसिक ऑक्साइड है और इट कैन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो यस ये दोनों प्रॉपर्टीज मेटल ऑक्साइड के साथ होती ही होती हैं, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड इट कैन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। नेक्स्ट वन इज द वीगर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। कि कितना फास्ट रिएक्शन होगी वो डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्टिविटी उस पर्टिकुलर मेटल की कितनी ज्यादा है। केमिकल रिएक्टिविटी इज मोर, फास्टर इज द रिएक्शन। केमिकल रिएक्टिविटी इज लेस, स्लोअर इज द रिएक्शन। तो ठीक है, वो हम पता लगाएंगे कौन कितना फास्ट है कौन कितना स्लो है बाय स्टडिंग दिस कंसेप्ट इन डिटेल। तो फर्स्ट वन इज
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल, दोनों का सेम बिहेवियर रहता है हर जगह जहां पर भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये सोडियम मेटल विच इज इन सॉलिड स्टेट व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विच इज इन गैसियस स्टेट देन इट विल फॉर्म ऑक्साइड. ऑक्साइड कैसे बनेगा आपको पता है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन माइनस टू क्रॉस करूंगी देन इट विल फॉर्म Na2O. तो इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2O. तो यस ये अपना ऑक्साइड बनाएगा. अगेन दिस ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, मैं यहाँ पे बार बार लिख नहीं रही हूँ, इट इज सॉलिड एंड इट इज सोडियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो यस ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है. इट विल टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू. तो यस सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड एंड दिस रिएक्शन कैन हैपन एट द रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है, इसके लिए हमें कोई भी हीटिंग देने की जरूरत नहीं है. तो दिस रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस एट द रूम टेम्परेचर ओनली. द सेम रिएक्शन विल हैपन इन केस ऑफ द पोटेशियम. यू कैन मेक द रिएक्शन बाय योर ओन ऑल्सो. मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया, यू कैन डू द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय योर ओन. आप लोग अपनी नोटबुक में बैलेंसिंग कर ही लिखोगे. ठीक है, तो यस द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन कैन फॉर्म इन केस ऑफ द पोटेशियम. तो सेम है, एट रूम टेम्परेचर इट कैन हैपन. सोडियम पोटेशियम सॉलिड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड इट फॉर्म द पोटेशियम ऑक्साइड विच इज अगेन बेसिक इन नेचर एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, मैग्नीशियम. तो यस मैग्नीशियम कैन बर्न्स विद ऑक्सीजन व्हेन वी आर गिविंग इट हीट. तो यस ये हीटिंग मिलने के बाद रूम मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होती है. तो हियर वी कैन राइट ऑन हीटिंग, यहाँ पे हमें हीट देना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा. सो वी observe that magnesium can only react with oxygen when we give heat it. So that's why we can say that magnesium is less reactive than the sodium and potassium. One more thing, we have to keep sodium and potassium in the kerosene oil. So question arises, why we should keep the sodium and potassium in the kerosene oil? Because they are very reactive metal and they can easily catch the fire in the air. So that's why we have to keep them in the kerosene oil. टू प्रोटेक्ट दम, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, उन्हें हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है उनकी रिएक्टिविटी खत्म करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज, हमने सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम तीन मेटल डिस्कस किए. नेक्स्ट फोर्थ मेटल इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अगेन इट इज बेसिक इन नेचर एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. और इसके अलावा क्या है, इसके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास टर्म आता है, दैट इज इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स द ऑक्साइड विच कैन बिहेव एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस. दोज ऑक्साइड्स विच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाया है. दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द अदर वन इज द जिंक ऑक्साइड. अभी हम इसके रिएक्शन करते हैं कि हाउ इट कैन बिहेव एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो हम एक बार इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एक बार बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे. तो यस ये एक्वस कंडीशन में है, ये सॉलिड है. ये दोनों ही रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ये कई बार पेपर में पूछी जाती है, कई बार. तो यस किसी भी फॉर्म में पेपर में आ सकती है, वो हम क्वेश्चन आंसर के दौरान करेंगे. बट दीज टू रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टू रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द एल्यूमिनियम एज वेल एज इन केस ऑफ द जिंक. दोनों ही केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन. यहां पर अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट इज बिहेविंग एज अ बेस, क्योंकि एसिड तो ये है. हियर इट इज रिएक्टिंग विद द बेस NaOH, तो हमें पता ही है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है. तो दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ एसिड, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. तो यहां पे रिएक्शन क्या होगा, यहां पे AlCl3 बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज लिक्विड.
यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। और ये वाला रिएक्शन अगर इफ यू रिमेम्बर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, तो यस सेकेंड चैप्टर में भी किया था, सॉरी सेकेंड चैप्टर में भी किया था। यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, NaAlO2। तो यस ये एक सॉल्ट है और ये बनता है एसिड और बेस हमेशा कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वॉटर बनाएंगे। तो ये सोल्ट है, यहाँ पे ये सोल्ट है प्लस वॉटर, और इस सोल्ट का नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। याद आया कुछ? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस टाइम भी बताया था, मैं इस टाइम भी बता रही हूँ। तो यस इस तरह से हमने देखा कि हेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग एज अ बेस एंड हेयर इट इज बिहेविंग एज एन एसिड, तो इट कैन बिहेव एज बोथ, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द सेम थिंग बट दिस रिएक्शन कांट टेक्स प्लेस एट द रूम टेम्परेचर, दिस कैन टेक्स प्लेस ओनली बाय गिविंग हीट। तो ये हीटिंग देने पे होता है, इसको हीटिंग थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है मैग्नीशियम से, दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। नाउ हम अगर जिंक की बात करें, जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड, एंड दिस जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। इसको हमें काफी टाइम तक हीट देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देना पड़ता है। तो यस बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो दिस इज अगेन बेसिक इन नेचर एंड बिहेविंग एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि ये बेसिक और एसिड दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं जिंक की। तो यस हाउ द जिंक इज बिहेविंग एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यस यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मैंने लिया। तो यस ये मेरे पास एसिड्स और बेसिस हैं, यहाँ पर ये यानी कि बेस का काम कर रहा है, यहाँ पर ये एसिड का काम कर रहा है। तो यस इट विल फॉर्म ZnCl2 अ सोल्ट प्लस वॉटर, ठीक है। और यहाँ पर ये रिएक्शन अगर आपको याद है Na2ZnO2 प्लस वॉटर, तो यस इसका नाम अगर आप लोगों को याद है, किसी को याद है, अभी अभी हमने चैप्टर का टेस्ट भी दिया है, इट्स नेम इज सोडियम जिंकेट। टेस्ट नहीं दिया, हमने रिवीजन की होगी समर वेकेशन में। तो यस सोडियम जिंकेट। तो यस बेसिकली ये हमारे पास एक सोल्ट बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यस इस तरह से हमारे पास ये जिंक ऑक्साइड जो है वो बेस एज वेल एज एसिड दोनों का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड, जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय गिविंग द स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव देन द एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम से भी थोड़ा कम रिएक्टिव है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यस चार हमारे पास मेटल्स हैं, कौन सी, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। ये चारों के चारों मेटल्स जो हैं इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो फर्दर उसको हीट फर्दर उसको कोरोड नहीं होने देता। तो यानी कि ये जो है इसको प्रोटेक्टेड लेयर का काम करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि चार जो हमारे पास मेटल हैं, दैट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, जिंक एंड लेड, इन चारों पे ऑक्साइड का लेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन मिलता रहता है इन्हें और ये फर्दर कोरोड नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज आयरन। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग से बनता है, यानी कि इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। एंड एट लास्ट वन मेटल इज देयर विच विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड ओनली ऑन प्रोलोंग्ड हीटिंग। ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी नहीं इसको कोई फर्क पड़ता, इसको काफी देर तक हीट देते रहना पड़ता है, तब जाके ये अपने ऑक्साइड में चेंज होता है, यानी कि ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो अब अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की या रिएक्टिविटी की डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, देन हमने क्या ऑब्जर्व किया, सोडियम पोटेशियम की ऑलमोस्ट सेम रिएक्टिविटी है, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड देन कॉपर। तो इस तरह से हमारे पास एक सीरीज बन गई, जिससे हमें पता लग सकता है बहुत इजीली कि किस तरह से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल कम रिएक्ट करता है। अभी आपको ये सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, आफ्टर 2-3 रिएक्शन मैं आपको एक इजी पॉइंट बताऊंगी, जिससे आपको ये लाइन अपने आप से याद हो जाएगी और आपको बाकी सब रिएक्शंस लिखने में बहुत इजी रहेगा। तो यस बेटा दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। टुडे वी डिस्कस्ड ओनली वन रिएक्शन ऑफ द मेटल्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, बाकी के रिएक्शंस क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।